की ओर। दिवाली में नकली सामानों पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, धनतेरस के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर बार त्योहारों से पहले नकली मावा और नकली घी और तमाम नकली प्रोडक्ट बाजार में आ जाता है, तो इन पर नकेल कसने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, विशेष तौर पे जो तैयारी की गई है वो BIS और फूड रेगुलेटर की FSSAI की तरफ से की गई है। अगर मैं BIS की तैयारियों की बात करूँ तो जिस तरह से हमने देखा कि दिवाली का ट्रेंड है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना, घर के सामान खरीदना, डेकोरेटिव लाइट्स खरीदना, सोना चांदी खरीदना, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक सभी जो मार्केट्स होंगी उनमें जो BIS का सर्विलांस है वो बढ़ाने की योजना है। विशेष तौर पर ये जो टीमें होंगी BIS की वो हॉलमार्किंग सेंटर्स या उसके आसपास जो सोने की दुकानें या नए खुले हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, उन पर ये निगरानी रखेंगी, औचक निरीक्षण वहां करेंगी कि वहां जो सोना बिक रहा है वो हॉलमार्क का है कि नहीं, और जिस कैरेटेज की बात हो रही है क्या वही कैरेटेज का बिल में भी आ रहा है कि नहीं। इसके साथ जितने भी एसेसिंग सेंटर्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने जो स्टाफ है उनकी संख्या बढ़ा दें, छुट्टियां कैंसिल कर दें। इन केस कोई आदमी, कोई व्यक्ति, खरीदार कोई आता है जो कि कहता है कि मेरे सोने की जांच कर दीजिए, तो वो उस जांच का सर्टिफिकेट उसको तुरंत मुहैया करा सके, इस बात की पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही बाजारों से इलेक्ट्रिकल लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स और इन सब को लेकर भी विशेष जांच दल बनाए गए हैं। साफ साफ कहा जा रहा है BIS की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति बिना हॉलमार्क का, बिना रजिस्ट्रेशन मार्क का, बिना SI मार्क का सामान ना खरीदे। और अगर हम फूड रेगुलेटर की बात करते हैं तो फूड रेगुलेटर की तरफ से तैयारी की गई है, तब जितने भी बाजार है जहां पे थोक का सामान बनता है या फिर बिकता है उन सभी जगहों पर ऐसे औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। और अभी तक की जानकारी के अनुसार हजारों क्विंटल मावा जो है दिल्ली NCR के आसपास से वो जब्त किया जा चुका है, उनको नष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा नकली दूध की खेप, चाहे वो ग्वालियर से कही जाए या फिर आगरा से कही जाए, दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं वहाँ से कही जाए, वहाँ से लगभग हजारों लीटर दूध का जो नकली दूध जो कि मिलावटी है उसकी खेप को लेकर नष्ट किया गया है। इसी तरह से बाजारों में जो मिठाइयाँ बिक रही हैं उनको लेकर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, उनकी जाँच की जा रही है, अगर कहीं कोई कमी पाई जा रही है तो लोगों को भी कहा जा रहा है कि इस तरह की मिठाइयों को न खरीदें, या नकली और असली की फर्क क्या है इसको लेकर भी BIS और फूड रेगुलेटर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस त्यौहार आपके घर पे नकली सामान ना आए, जो आप सोना खरीद रहे हैं वो खरा सोना हो, जो मिठाइयां आप खरीद रहे हैं वो असली हो, आपके स्वास्थ्य को वो दुष्परिणाम ना दें, इस तरह की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से है। और देश के तमाम ऐसे सेंटर्स जहाँ पे कि जो बड़े बाजार हैं उनमें भी इसकी जो संख्या है, लोगों की संख्या और इस तरह की टीमों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए।